हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वेबसाइट क्लोथिंग हॉल। तो गाइस, आप सबको पता होगा कि अभी सभी जगह सेल चल रहा है, तो वेबसाइट पे भी अभी सेल चल रही है और ये सेल टोटल एक महीने रहती है। जुलाई के पूरे मंथ ये सेल चलती है। तो वेबसाइट के जो क्लोथिंग आइटम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, सारे आइटम बहुत अच्छे होते हैं। ज्वेलरी, क्लोथिंग, शूज आपको मिल जाते हैं बहुत ही सही प्राइस में। तो अभी सेल चल रहा है तो और भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारे आइटम्स मिल जाएंगे। क्लोथिंग आइटम बेस्ट है गाइस, वहां के बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका जो मटेरियल है, उनका जो स्टफ है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आई नो मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ इस हॉल को शेयर करने में, बट अभी भी 4-5 डेज बाकी हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहां से आइटम्स को पिक कर सकते हैं। तो गाइज वहां पे आपको एथनिक कुर्तीज, वेस्टर्न वियर, शूज, ज्वेलरी सारा कलेक्शन मिल जाएगा। और सारा जो कलेक्शन है वो दी बेस्ट है। मैं मोस्ट ऑफ द अपनी क्लोथिंग आइटम जो है वो वेबसाइट से ही परचेज करती हूँ। वेबसाइट के लोकल स्टोर से परचेज किए हैं मैंने, ऑनलाइन साइट से परचेज नहीं किए हैं। आप चाहें तो उन्हें ऑनलाइन साइट से भी परचेज कर सकते हैं टाटा सीएलटी की साइट से। और सारे जो प्रोडक्ट है उनकी जो प्राइस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आफ्टर डिस्काउंट। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो गाइस, सबसे पहले मैंने वहां से परचेस किया है एक स्लिंग बैग जो कुछ इस तरह का है। ये ब्लैकिश सिल्वर कलर में है, जो मेटेलिक कलर होता है ये कुछ उस तरह का ब्लैक है। और यहाँ पे आपको एक स्लिंग दे रखा है तो आप इसके बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे जितना लंबा आपको रखना है। बहुत ही प्यारा बैग है। यहाँ पे सिंपली आपको एक जिप दे रखी है। मैं जिप को ओपन करके दिखाती हूँ, आराम से ये आपकी ओपन हो जाएगी और आप आराम से इसमें अपना सामान कैरी कर सकते हो। इतना स्पेस इसके अंदर है तो आप इसमें मोबाइल, हैंकी, बहुत सारा सामान जो है इसके अंदर कैरी कर सकते हो। तो गाइज ये बैग बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ये आपके एथनिक अटायर के साथ, आपके वेस्टर्न अटायर के साथ, सभी आउटफिट के साथ आराम से जाएगा और बहुत ही प्यारा है। मैं इसका जो पिक है वो शो कर दूंगी आपको, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा ये किस तरह का बैग है। तो आप देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं क्लोथिंग आइटम। तो क्लोथिंग आइटम का भी ट्राई ऑन मैं आपको करके दिखा दूंगी जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पहनने के बाद कैसे लगते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने वहां से ली है ये व्हाइट कलर की कुर्ती जो कुछ इस तरीके से दिखती है और ये है उत्सा के ब्रांड से। तो गाइज ये जो है वो अनारकली कुर्ती है, बट इसका जो पैटर्न है वो एकदम अलग सा है। मैं आपको वियर करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। और इसमें ग्रे कलर का ये प्रिंट दे रखा है। इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 है और यहाँ पे फोल्ड कर रखी है इसकी स्लीव्स। फ्रंट में इसके आपको बटन मिल जाएंगे, यहाँ पे इसके बटन दे रखे हैं और ये जो बटन है इसके लास्ट तक है ये बटन। तो ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है, कॉलर स्टाइल का है, जो चाइनीज कॉलर होती है उस टाइप का है ये कुर्ती। गाइस इस कुर्ती की लेंथ भी काफी अच्छी है। अगर आपकी हाइट मेरी तरह 5'6" या 5'7" है तो आपको अच्छी खासी लेंथ इसमें मिल जाएगी। और अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो जो इसका मटेरियल है वो रेयॉन है, 100% रेयॉन है, अच्छा वाला रेयॉन है। समर के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है, आपको बिल्कुल भी खाएगा नहीं, बहुत ही अच्छी कुर्ती है ये। नेक्स्ट मैंने पिक की है बेल्ट स्टाइल वाली कुर्ती जो कि बॉम्बे पेजली ब्रांड से है और इसमें जो मेरा साइज है वो मीडियम। ये आपको एक बेल्ट के साथ मिलती है और ये भी फ्लावर प्रिंट की कुर्ती है। अच्छे खासे इसमें पिंक कलर के फ्लावर दे रखे हैं, ग्रेश टाइप का ये कुर्ती है, चेक्स पैटर्न इसके अंदर दे रखा है। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है, ये भी बहुत ही अच्छा मटेरियल है। फ्रंट में आपको बटन मिल जाएंगे जो कि आपके एंड तक जाएंगे। स्लीव्स जो है इसकी 3/4 स्लीव्स है। गाइज मोस्टली जो वेबसाइट की कुर्तीज आती है उनकी जो स्लीव्स आती है वो 3/4 स्लीव्स ही आती है, तो ये इस तरह की फोल्ड की स्लीव्स है। और ये आपको एक कॉलर के साथ मिल जाता है, कुछ इस तरीके से इसका मटेरियल है। ड्रेस आपको एक बेल्ट के साथ मिलता है तो आप इसको बेल्ट के साथ वियर कर सकते हो। तो आप इसे एज अ कुर्ती भी पहन सकते हैं और एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं, तो इसमें इस तरह का बेल्ट आपको साथ में रिसीव होगा। और गाइस थर्ड कुर्ती जो मैंने वहां से पिक की है वो ये है जो कि मैंने अभी वियर कर रखी है। ये सेम वैसी ही कुर्ती है, बेल्ट स्टाइल कुर्ती है, ये भी बॉम्बे पेजली ब्रांड से। इसमें भी मेरा साइज जो है वो एम है। अगेन आपको ये कॉलर के साथ मिलती है, इसकी स्लीव्स भी 3/4 स्लीव्स है और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर प्रिंट है। मैं इसका भी ट्राई ऑन पूरा करके आपको दिखा दूंगी, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें पिंक कलर के फ्लावर है, साथ में ये थोड़ा सा ब्लू कलर भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अगेन ये बेल्ट के साथ है, आप इसको एज अ ड्रेस पहन सकते हैं, एज अ कुर्ती पहन सकते हैं। इसका जो मटेरियल है वो रेयॉन है, 100% रेयॉन है। तो गाइस इन
के मटेरियल तो काफी अच्छे हैं, आप नो डाउट इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपको रिसीव होगा। नेक्स्ट मैंने वहां से पिक किया है ये चार प्लाजो जो कुछ इस तरीके से हैं। वन बाय वन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये डार्क ब्राउन कलर में या ग्रेश कलर आप कह सकते हो उसमें ये प्लाजो पिक किया है, जिसपे आपको गोल्डन कलर के पोल का डॉट मिल जाएंगे। और जो भी प्लाजो है वो सिंपली इलास्टिक के हैं, आपको चारों तरफ इसमें इलास्टिक दे रखा है। और इसमें जो मेरा साइज है वो है, इसमें मेरा साइज एस है, स्मॉल साइज में मैंने पिक किया है। ये उत्सा ब्रांड से है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का से प्लाजो है। आपको यहाँ पे बांधने के लिए बेल्ट मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग बांध सकते हैं। इलास्टिक दे रखा है, बहुत ही कंफर्टेबल इलास्टिक है और लेंथ भी अच्छी खासी है ये, और बहुत ही प्यारे हैं, आप देख सकते हैं इस प्लाजो को। तो गाइज ये प्लाजो मैंने पिक किया है इस कुर्ती के लिए, तो वहां पे मुझे मैच दिख रहा था तो मैंने ले लिया कि ये इस कुर्ती पे अच्छे से जाएगा। मैं वियर करके पूरा सेट आपको दिखा दूंगी। तो ये बेसिकली मैंने इसी कुर्ती के लिए लिया है, तो ये आपको पूरा सेट बन जाएगा। प्राइस इनके काफी अफोर्डेबल है, समथिंग ये 500 रुपीज का है, उत्साह ब्रांड से है। तो आप देख सकते हैं इस प्लाजो को, ये थोड़ा सा सिल्क टाइप के मटेरियल में है, बहुत ही एलिगेंट लगेगा आपको पूरा वियर करने पर। नेक्स्ट मैंने पिक किया है ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर का प्लाजो जो अगेन एक इलास्टिक के साथ आता है, और ये भी सेम उत्सा ब्रांड से है। इसमें भी मेरा साइज जो है वो स्मॉल है, और इसका जो मटेरियल है वो कॉटन टाइप का है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ फुल है और आपको इतना चौड़ाई मिल जाती है इसकी। और इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइनिंग का प्रिंट दे रखा है, तो ये कुछ मैरून टाइप की लाइन है, ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर में है। और नेक्स्ट मैंने एक पिंक कलर का प्लाजो लिया है, तो सारे प्लाजो जो है मैंने वो उत्सा ब्रांड से ही लिए हैं, स्मॉल साइज में पिक किए हैं। तो नेक्स्ट मैंने ये फ्लावर प्रिंट का प्लाजो लिया है, अगेन ये आपको इलास्टिक के साथ, सारे प्लाजो आपको इलास्टिक के साथ ही मिलेंगे, तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं वो पहनने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का, इसमें लीव्स प्रिंट की हुई है, फ्लावर नहीं है, ये लीव्स प्रिंट किया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अगेन इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है वो काफी अच्छी है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, रेयन इसका मटेरियल है, तो मैंने इस तरह का कोई प्लाजो लिया है। अगेन मैंने एक प्लाजो लिया है जो कि उसे थोड़े से डार्क कलर में आपको दिख जाएगा, और जो लहरिया प्रिंट होता है उस तरह के इसके अंदर डॉट दे रखे हैं, ये डार्क रानी कलर है एकदम। और अगेन वापस उत्साह ब्रांड से है, स्मॉल मेरा साइज है, आपको इलास्टिक के साथ मिल जाएगा। लेंथ आप देख सकते हैं, प्रिंट आप देख सकते हैं, इसका जो फैब्रिक है वो रियन फैब्रिक है, एकदम कंफर्टेबल है, समर के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है, साथ ही ये बहुत ही अफोर्डेबल है। गाइज ये बैग और ये क्लोथिंग आइटम मैंने वेबसाइट के स्टोर से परचेस किए हैं, अभी भी 4-5 डेज वहां पे सेल चलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट के लोकल स्टोर से या ऑनलाइन इन आइटम को परचेस कर सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।